Hello students, last time we discussed nonced equation. In this video there are some test yourself questions of nonced equation. So ये questions हैं, इनके statements पढ़ के आपने इनको खुद try करना है, उसके बाद इनका solution देखना है. So the first question is the measured voltage for the reaction with indicated concentration is 1.5 volt. Calculate E naught. E naught हमको निकालनी है एंड मेजर्ड कंसंट्रेशन पे, इंडिकेटेड कंसंट्रेशंस पे हमें वैल्यू गिवन है. इट मींस हमें E की वैल्यू दे रखी है और हमें E नॉट की वैल्यू निकालनी है. सो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी? नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे. सेल रिएक्शन इज गिवन. सो नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बोलती है? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. Now, measured voltage for the reaction with indicated concentration is this much. It means E की value 1.5 है. Calculate E naught. E naught standard वाली हमें निकालनी है. N is how many electron change is there. Chromium 0 से plus 3 में गया, 3 electron lose किए हैं. And silver plus 1 से 0 में गया, 1 electron gain किया, total 3 हो गए. So, electron change is 3. क्यू, क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. प्रोडक्ट हमारे पास एक तो सिल्वर सॉलिड है, एक क्रोमियम के आयंस हैं. सो प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी. क्रोमियम आयंस के ऊपर लिखेंगे अपॉन क्रोमियम प्योर सॉलिड 1 सिल्वर आयंस रेस टू पर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है. अब सॉल्व करना है इसको, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. अपॉन 3 लॉग क्रोमियम आयंस का वैल्यू इज गिवन. क्रोमियम आयन कंसंट्रेशन इज 0.3. सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज 0.1 रेज टू पर 3. नाउ द वैल्यू इज ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 3. सो लॉग की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं. इट्स 0.3 अपॉन 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 10^-1 रेस टू पर 3. तो ये बन गया ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 3 लॉग 0.3. ये बन गई पावर, ऊपर जाके प्लस हो गई. सो यहाँ पे हमारा आ गया 1.5 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 3 लॉग. ये देखो लॉग ये बन गया आपका 300. अब इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है. ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 3. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू पर 2. सो लॉग के फॉर्मूलाज हमने लास्ट वीडियो में देखे भी थे. लॉग एम एन मल्टीप्लाई में है तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन. लॉग एम प्लस लॉग एन, सो ये वैल्यू बन गई ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 3. सो ये एम एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन. ये चीज़ आ गई. अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हमारा बन जाएगा 1.5 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 3 लॉग 3 वैल्यू होती है 0.477. और इस पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आगे? लॉग एम रेज टू पर एन, एन आगे आ जाएगा एन लॉग एम. तो 2 आगे आ जाएगा 2 लॉग 10, लॉग 10 इज 1. ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 3. सो लॉग 10 हमने याद रखना है, इट्स वैल्यू इज 1. सो इसको ऐड करेंगे 2.477, ये वैल्यू आ जाएगी. अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बाय सॉल्विंग इट वी विल फाइंड कि ई नॉट की वैल्यू आ रही है 1.55 वोल्ट्स. जस्ट कैलकुलेशन प्रैक्टिस है, इसमें कुछ भी नहीं है. सो ऑप्शन हमारी डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऐसे होगा ये क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं. मेजर्ड वोल्टेज हमें ई की वैल्यू दे रखी थी, ई नॉट की पूछी है. तो ई नॉट की पूछी है तो ये वैल्यूज पुट किए. क्यू क्या होता है? रिएक्शन कोशन, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. ये प्योर सॉलिड है, 1 है.
क्रोमियम आयन अपॉन सिल्वर, ये वैल्यूज पुट कर दी, जस्ट कैलकुलेशन है, तो ये ऊपर ले गए, ये आ गया आपका 300। देन एम इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ एंड देन हमने ई नॉट की वैल्यू सॉल्व कर ली। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.33 वोल्ट। वॉट इज द पोटेंशियल एट पी एच इक्वल टू 2। हेयर इज द रिएक्शन। नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन रिएक्शन इज दिस मच। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स ई नॉट की वैल्यू इज गिवन, 1.33 वोल्ट ई नॉट गिवन है। वॉट इज़ द पोटेंशियल, क्या निकालना है, ई निकालना है। पी एच कितने पी एच पे, 2 पे। पी एच का फॉर्मूला क्या होता है, पी एच इज माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। इट मीन्स 2, एक तो डाटा हमारे पास ये चीज़ गिवन है। नाउ अब हमें ई निकालना है, तो नर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी, कंसनट्रेशन ब्रैकेट में ऑलरेडी गिवन है। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ई हमें फाइंड करना है, ई नॉट इज गिवन 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन एन। इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है अपॉन 6 लॉग क्यू। और प्रोडक्ट में आपके पास क्रोमियम आयंस हैं, इसकी कंसंट्रेशन 1 ही है, लिख लेते हैं। एंड प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड की यूनिटी लेनी है, सो यहाँ पे क्रोमियम आयन पावर 2 आ जाएगी अपॉन। अब एक तो आपको डाइक्रोमेट आयंस लेने हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव, और आपको क्या लेने हैं, H+ की पावर 14 है रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्यू में 14 पावर, ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। लॉग क्रोमियम आयन कंसंट्रेशन इज 1, डाइक्रोमेट आयन कंसंट्रेशन इज आल्सो 1 एंड H+, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक्चुअली H+ की हम ये pH से निकाल सकते हैं, बट यही एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, कैलकुलेशन विल बी ईजियर। सो इसको कैसे यूज़ करना है ये हम आगे देखते हैं। तो ये बन गया हमारे पास E इज इक्वल टू 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग। ये आपका ऊपर जाके क्या बन जाएगा, H+ रेज टू पार माइनस 14। कैसे आई ये चीज़, ये देखिए हमने अभी सॉल्व किया था, यहाँ पे 1 पुट किया, H की पार 14, ऊपर जाके माइनस 14 हो गया, ये चीज़ बन गई। नाउ 0.0591 अपॉन 6, ये आगे आ जाएगा माइनस 14 लॉग H+। अब ये देखिए, ये हमारे पास pH जो था वो 2 था। अब इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली यूज़ करके कैलकुलेशन ईजियर बना लेंगे, माइनस लॉग H+ को डायरेक्टली 2 पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये इसको देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटू 14 कर दूं और माइनस लॉग H+ ब्रैकेट में डाल दूं, ये सारी क्या हमारी पुट हो जाएगी। हमें पता है कि pH हमें 2 गिवन था, 2 pH, pH क्या होता है, माइनस लॉग H+, इसका मीन्स यहाँ पे हम 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो कैलकुलेशन विल बी ईजियर। सो इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, एंड आंसर विल बी, यू कैन कैलकुलेट 1.0548, इतना वोल्ट आपका जो पोटेंशियल निकल के आएगा। सो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही वैल्यू आ रही है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अगला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।